व्यूवर्स, ये क्रिसमस मिनी कैप है जो हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमने वाइट और रेड कलर के धागे की चॉइस की है। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। तो हम आपको आज मिनी कैप बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मिनी क्रिसमस कैप बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने ऐसे तीन स्टिच ले लेने हैं और फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे चैन को मिला के 2 हो गए, ये 3, फोर, फाइव, सिक्स एंड 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने इस धागे को ऐसे अच्छी तरह खींच लेना है और इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है और ये देख के हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तैयार हो चुका है। अब 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप। सेवन डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। इसमें हमने कोई भी क्रोशिया स्टिच कुछ बढ़ाना नहीं है, 7 7 ही बनेंगे। और हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेके हमने इसको बंद कर देना है। अब हमने फिर से 3 स्टिच लेने हैं। फिर से हमने डबल क्रोशिया लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। 7 के हमने 12 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें हम डबल अब नेक्स्ट रो, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में
टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर सिंगल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट टू डबल क्रोशिया, एक स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर वन डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट आप टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया टू, सॉरी यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना था, एक ही में टू डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर सिंगल डबल क्रोशिया। अब फाइव रो है, फाइव रो में हमने फिर से तीन चैन बनाने हैं और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ले लेना है, थ्री हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे और ये हमारे थ्री सिंगल हो गए, फिर एक ही स्टिच में यहाँ पे हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन सिंगल डबल क्रोशिया, वन सिंगल डबल क्रोशिया, वन सिंगल डबल क्रोशिया, यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह करके हमने अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये टू डबल क्रोशिया, यहाँ पे फिर से अब फिर से हमने थ्री चेन लेनी है और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, थ्री डबल क्रोशिया और एंड फोर डबल क्रोशिया, फोर सिंगल डबल क्रोशिया और यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर सिंगल डबल क्रोशिया, ये देखें फोर सिंगल डबल क्रोशिया, टू थ्री एंड फोर, फोर सिंगल डबल क्रोशिया, यहाँ पे टू डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेना है, फोर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया। ऐसे अब हमने नेक्स्ट रो में फाइव सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे और वन डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखें जैसे थ्री फोर फाइव, फाइव सिंगल डबल क्रोशिया, वन टू डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक दो तीन डबल क्रोशिया, ये चार और ये पांच, पांच सिंगल डबल क्रोशिया हैं और एक हमारा डबल क्रोशिया है एक ही चैन में। इसी तरह हमने अपनी ये रो कंप्लीट की है, फाइव डबल सिंगल डबल क्रोशिया और एक टू डबल क्रोशिया बना के, तीन चार और यहाँ पे हमारी पांच। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर तीन चैन लेंगे, अब हर डबल क्रोशिया में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, अब कोई भी डबल क्रोशिया हमने बढ़ाना नहीं है। ओवरऑल हमने सब एक एक डबल क्रोशिया लेना है।
मिनी क्रिसमस कैप है। इसी तरह आप बड़ी कैप्स भी बना सकते हैं। ये हमारी रोबी कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट रबर खुश है हमारा। और अब हम यहाँ पे इसको सिंगल स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने लेना है वाइट कलर का धागा और इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हमने सब स्टिच में इसको ऐसे बना लेना है, हाफ स्टिच हमने सब स्टिच में लेने हैं। इनमें कोई भी स्टिच हमने बढ़ाना नहीं है। ऐसे हमने इसकी 5 रो तैयार कर लेनी है। तो व्यूअर्स ये देखे हमारी ये कैप तैयार हो गई है। इसको हमने वाइट हिस्से को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद ये ऐसे हमारी कैप तैयार होगी। उसके लिए हमने वाइट कलर का धागा लेना है फिर से। वाइट कलर के धागे के बाद हमने इस तरह करके इस तरह हमने हाथ से इसको उतार के यहाँ से इसको बांध लेना है। तो व्यूअर्स ये हमारी मिनी कैप तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह कैप तैयार करके रख लीजिएगा, बना सकते हैं आप। वाइट हिस्से को ऐसे फोल्ड करना होता है। अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।